आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की, जो कि कांग्रेस में अभी शामिल हो गए हैं और यहां पर इनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। बताइए, इस कांग्रेस में आपकी राजनीति की दशा और दिशा क्या? देखिए, कांग्रेस को हमने बड़े सोच समझ के इस मंच को चुना है। इस देश की राजनीति में, झारखंड की राजनीति में कांग्रेस की अहम भूमिका है। जिस प्रकार देश की बनावट है, भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न धर्म के लोग एक माला में पिरो के कोई रख सकता है तो वह कांग्रेस रख सकता है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई जिंदा रख सकता है तो वह कांग्रेस रख सकता है। गंगा जमुना सरस्वती की धारा मिलके कोई बहा सकता है तो कांग्रेस बहा सकती है। इसलिए हमने कांग्रेस को मंच को चुना और मुझे विश्वास है कि झारखंड में रहने वाले तमाम नौजवानों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, जो झारखंडी लोग हैं, उन्हें भी हक और अधिकार कांग्रेस दिला पाएगी, इसलिए हमने कांग्रेस को चुना है। जी, पार्टी में क्या भूमिका? एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का जो आदेश होगा, जनता की आवाज़ को, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, वो करने का प्रयास करूँगा। जी बंधु जी, पार्टी में आपकी क्या, आगे आपकी राजनीति की क्या दशा और दिशा होगी झारखंड कांग्रेस ज्वाइन कर? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी से ही देश के महापुरुषों ने इस देश को एक दिशा देने का काम किया है। जो इतिहास में हम लोग पढ़ते थे, चाहे आपका स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की बात कहें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कहें, श्रीमती इंदिरा गांधी की बात कहें, राजीव गांधी की बात कहें, ये सारे लोगों का एक इनका जो इतिहास और देश के प्रति इनका जो कमिटमेंट रहा है, देश के प्रति इन्होंने जो किया है, ये देश की जनता भूल नहीं सकती है। और इन तमाम विचारधाराओं से लेकर जो कल तक हम स्कूल में पढ़ते थे, इन विचारधाराओं से प्रभावित होकर हमें एक अवसर मिला है कि यहाँ हमको कांग्रेस पार्टी में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के प्रभारी, राष्ट्रीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी, सीएलपी के नेता लंबे और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हम लोगों को एक उत्साह पूर्वक हम लोगों को स्वीकार किया है। आने वाले दिन में हम लोगों प्रयास होगा कि हम लोग संगठन पार्टी के लिए पूरे ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश के लिए ही नहीं, प्रदेश में पूरा, कांग्रेस पार्टी के बगैर देश हालात आप देख ही रहे हैं, उस तरह से प्रदेश को भी हम एक कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के नेतृत्व में एक बेहतर राज बनाने का हम लोग काम करेंगे, जिसमें पूरी शक्ति हम लोग लगाएंगे। यही सब उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी में आए हैं और आगे अब हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। दूसरे दल के लोग अक्सर कहते हैं कि बंधु तिर्की दल बहुत बदलते हैं, तो क्या कांग्रेस आपका स्थायी ठिकाना? उनको पूछे ना कि कितना दल बदला गया है, उसको खुद पता नहीं है कौन दल बदला गया, कहाँ दल बदला गया। इसलिए देखिए, उन लोगों की पार्टियाँ बहुत बदल, नहीं नहीं जो बोलने वालों को, हम लोगों को कांग्रेस में आने से उनको थोड़ा महसूस दर्द महसूस जल्लस हो रहा है, इसलिए वैसे बातों को हम लोग ध्यान भी नहीं देते, नोटिस भी नहीं करते। गठबंधन में सरकार गठबंधन में है, कांग्रेस झामुमो की तरफ से गुरुजी ने कहा है कि 1932 का खतियान आधार बने स्थानीय नीति के लिए, जगन्नाथ महतो हो या फिर सुप्रियो भट्टाचार्य, तमाम लोग कहते रहे हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, गठबंधन की सरकार है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के अभी तो हम लोग ज्वाइन कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस का जो लाइन लेंथ क्या होगा, कांग्रेस का ही होगा, ये सारे लोग मिल करके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय होगा वो निर्णय के अनुसार ही आगे बढ़ा जाएगा। तो ये थे विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। सहयोगी सूरज के साथ मनीष सिंह, आजाद सिपाही, रांची। आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है, आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।